हेलो फ्रेंड, मैं हूं अरमान और आप देख रहे हैं टेक्निकल गेनर। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बता रहा हूं फ्रेंड कि आप अपने वीवो मोबाइल में इजी टच को कैसे इनेबल कर सकते हैं और उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सेटिंग पर टैप करना है और सेटिंग पर टैप करने के बाद मोड सेटिंग पर टैप करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ईजी टच देखने को मिल जाता है, जिस पर टैप कर देना है और टैप करने के बाद यहाँ से ईजी टच को ऑन कर देना है। उसके बाद आप देखेंगे फ्रेंड यहाँ पर एक बॉल का आइकॉन देखने को मिल जाता है, तो आपको इस पर टैप कर देना है और टैप करने के बाद आप यहाँ पर जो आपके फेवरेट ऐप है या जिस भी ऐप को आप ज़्यादा यूज़ करते हैं उसे यहाँ पर शॉर्टकट के रूप में आप यहाँ पर रख सकते हैं इस स्पेस पे। तो ऐप को ऐड करने के लिए यहाँ आपको थ्री डॉट पर टैप करना है और टैप करने के बाद यहाँ प्लस जहाँ पर दिख रहा है फ्रेंड आपको इस पर टैप कर देना है। और टैप करने के बाद आपके मोबाइल में जितने भी ऐप्स होंगे वो सारे ऐप्स यहाँ पर शो होने लगेंगे। तो आपको जिस भी ऐप को उस शॉर्टकट स्पेस में रखना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल यहाँ कैलकुलेटर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसके लिए यहाँ पर कैलकुलेटर को मैंने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ ऊपर से डन कर दिया। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड मैंने कैलकुलेटर को ऐड किया था, जो कि यहाँ पर ऐड हो गया है। तो अब मैं इसके बेनिफिट दिखाता हूँ। इसके लिए सबसे पहले मुझे होम स्क्रीन पे जाना है और यहाँ मैं होम स्क्रीन पे आ गया हूँ। तो अब अगर मुझे कैलकुलेटर को यूज़ करना है तो मुझे यहाँ पर स्वाइप करके बार बार उसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मोबाइल के राइट साइड में एक छोटा सा आइकॉन देखने को मिल जा रहा है, लगभग हाफ बॉल टाइप का। तो उस पर टैप कर देना है और टैप करने के बाद आप देखेंगे फ्रेंड यहाँ पर फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेज और उसके स्वाइप करने के बाद आप देखेंगे जो कैलकुलेटर मैंने ऐड किया था वो यहाँ पर ऐड हो गया है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। अगर मुझे कैलकुलेटर यूज़ करना होगा तो मुझे इसी कैलकुलेटर के आइकॉन पर टैप कर देना है और टैप करने के बाद मैं यहाँ बहुत ही ईजी तरीके से कैलकुलेटर को यूज़ कर पाऊँगा। इसके लिए मुझे स्वाइप करके ढूँढने की ज़रूरत नहीं है कैलकुलेटर ऐप को। और फ्रेंड अगर आप इसमें कुछ और भी ऐप्स को ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए इस आइकॉन पर टैप करना है और टैप करने के बाद यहाँ थ्री डॉट पर टैप कर दें। तो इसी तरह आप यहाँ टोटल 9 ऐप्स को यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं और इसे बहुत ही इजी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड मैं एक बात और बता दूँ कि अगर आपको कभी इसे यहाँ से रिमूव करना हो, क्योंकि यहाँ पर स्पेस तो कम है, टोटल 9 ही ऐप्स आप यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे शॉर्टकट के रूप में, तो अगर आपको इसे रिमूव करना हो, जैसे मैंने यहाँ कैलकुलेटर सेलेक्ट किया था, ऐड किया था, उसे अब मैं रिमूव करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कैलकुलेटर के आइकॉन के ऊपर क्रॉस का सिंबल दिख रहा है, तो उस पर टैप कर देना है और ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इसी तरह आप बहुत ही ईजी तरीके से किसी भी ऐप्स को, अपने फेवरेट ऐप्स को या जो कि आप ज़्यादा यूज़ करते हैं उसे सिलेक्ट भी कर सकते हैं और चाहे तो उसे अगर आपको सही नहीं लगे तो आप यहां से रिमूव भी कर सकते हैं। और उसी तरह अगर कुछ टूल्स की बात करें तो यहां पर आपको नीचे में देखने को मिल जा रहा है कुछ टूल्स भी है जो कि आप शॉर्टकट के रूप में यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए इस थ्री डॉट पर टैप करना है और टैप करने के बाद यहाँ पर आपके मोबाइल में कुछ शॉर्टकट्स अगर आपको चाहिए कुछ टूल्स की तो आप यहाँ पर से सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से डन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल 8 टूल्स को ही आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि यहाँ पर ऑलरेडी किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं उसको चेंज करके किसी और को सिलेक्ट करना तो इसमें से किसी एक को रिमूव करना होगा, तब फिर जाकर आप दूसरी को सिलेक्ट कर पाएंगे। तो फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को भी प्रेस कर दें नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक्स।